हेलो एवरीवन, लवली कुरुचित क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक डिनर सेट जो पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी का डिनर सेट किस तरीके से बनाइएगा ये मैं आज आप लोगों को वीडियो बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। तो ये मैंने पिछला वीडियो में बताया था, लोकल मार्केट में जो कॉटन थ्रेड मिलता है उसी से मैंने ये बनाया है, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे यही होगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पर नीडल्स यूज़ किया है वो 2.5 mm। देखिए, यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं बता देती हूँ, 2.5 mm का जो नीडल्स होता है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और जो थ्रेड मैंने यूज़ किया है ये थ्रेड है। तो ये देखिए, मैंने दो मतलब डबल कर लिया है, ये थ्रेड मैंने डबल कर लिया है। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाना है। अगर आप लोग को मैजिक रिंग बनाना नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस तरीके से मैजिक रिंग बनाना है। अब बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग एक, दो और तीन, देखिए तीन चेन इस तरीके से मैंने ले लिया है। तीन चेन लेने के बाद इस मैजिक रिंग के अंदर हम लोग को 15 डबल क्रोचेट बनाना है। ठीक है, तो डबल क्रोचेट किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बल लेंगे, ये रिंग के अंदर इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, धागा को इस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, तो लेके आने के बाद देखिए, मेरे यहाँ पर नीडल्स में एक, दो, तीन तीन लूप है, इनको दो करेंगे फिर ये दो को एक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो डबल क्रोचेट मेरा बन गया है, क्योंकि एक, दो, तीन, ये तीन का चेन एक डबल क्रोचेट के हिसाब से काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर 15 डबल क्रोचेट बनाना है। तो एक मैंने बनाया है और हम लोग को और भी बनाना है, तो और ये साइड वाला चेन लेके हम लोग का टोटल जो डबल क्रोचेट होगा वो 16, 15 बनाना है, एक साइड का मेरा तीन का चेन हो जाएगा, तो टोटल डबल क्रोचेट मेरा यहाँ पर होगा 16। ठीक है, तो हम लोग ये अभी काउंट कर लेते हैं, एक, दो, फिर बल लेंगे इसी लूप के अंदर नीडल्स को डालते हुए, एक डबल क्रोचेट बनाया, तीन, फिर बल लेंगे इसी मैजिक रिंग के अंदर जब नीडल्स को डालते हुए एक बनाएंगे, चार, एक, दो, तीन, चार, फिर बल लेंगे। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोचेट बना लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने ये मैजिक रिंग के अंदर 16 डबल क्रोचेट बना लिया है। अब बनाने के बाद देखिए, ये जो मेरा धागा दिख रहा है इसको हम लोग किस तरीके से खींच लेंगे। तो खींचने से क्या होगा, ये जो बड़ा सारा होल था ये मेरा ब्लॉक हो जाएगा। देख रहे आप लोग, ये धागा में होल जो था ये ब्लॉक हो गया। अब देखिए, एक, दो, तीन, तीसरा चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो पहला जो राउंड है ये मेरा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड राउंड हम लोग शुरू करेंगे। तो डबल क्रोचेट का हाइट का जैसे मैंने पहले एक, दो और तीन तीन चेन लिया था, ऐसे कि हम लोग तीन चेन शुरू में लेंगे, एक चेन और लेंगे। ठीक है, तो ये एक चेन मैंने क्यों लिया है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक चेन और ले लिया है। अब देखिए क्या करना है, इस तरीके से बल लेंगे, तो इसके ऊपर मेरा ये डबल क्रोचेट बन गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये वाला चेन है, इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट जो चेन दिख रहा है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, और फिर नेक्स्ट जो चेन दिख रहा है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, और डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, और फिर देखिए ये जो एक चेन दिख रहा है इसमें नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुरू में तीन चेन डबल क्रोचेट के हिसाब से, और एक चेन जो मैंने लिया था यानी कि चार जो चेन लिया था, देखिए इसके बीच में जैसे मैंने एक एक चेन लिया था वही एक चेन है, तो इसलिए शुरू में मैंने यहाँ पर चार चेन लिया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए फिर मैं एक चेन लूँगी और नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोचेट बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये सेकेंड राउंड हम लोग को कंप्लीट करना है। एक चेन लेंगे और जितना चेन है हर चेन में हम लोग एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे, बीच में एक एक चेन हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बना लिए। लास्ट वाला देखिए, एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना लिए। बनाने के बाद देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पर एक, दो, तीन, तीसरा चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, देख रहे आप लोग। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोग एक, दो और तीन तीन चेन ले लिए,
तो देखिए ये डबल क्रोशेट के ऊपर ये मेरा तीन का चेन हो गया। देख रहे हैं आप लोग, ये डबल क्रोशेट के ऊपर ये तीन का मेरा चेन हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। अब देखिए ये जो होल दिख रहा है, देखिए इसके बीच में जो ये होल दिख रहा है हमको, तो ये इस होल में निजेस को डालते हुए दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक बनाया, फिर सेम होल में फिर निजेस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट और बनाएंगे, ठीक है। तो एक होल में मेरा दो डबल क्रोशेट बन गया, और ये जो मेरा एक डबल क्रोशेट बना हुआ था उसके ऊपर मेरा ये तीन का चेन का एक डबल क्रोशेट बन गया, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग देखिए ये जो मेरा डबल क्रोशेट एक बना हुआ है उसके ऊपर वाला चेन में इस तरीके से निजेस को डालेंगे, और डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए ये होल आ गया, ये होल में हम लोग दो बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, होल के अंदर एक बार, फिर होल के अंदर इस तरीके से निजेस को डालते हुए एक बार और, दो बार मैंने बना लिया। फिर देखिए ये एक डबल क्रोशेट आ गया मेरा, देखिए ये एक डबल क्रोशेट पहला राउंड के डबल क्रोशेट के ऊपर चेन में निजेस को डालते हुए एक डबल क्रोशेट बना, ठीक है। तो देखिए ये राउंड में हम लोग को क्या करना है, ये डबल क्रोशेट के चेन में जैसे ये वाला हुआ, ये डबल क्रोशेट के ऊपर ये वाला चेन है, इसमें एक डबल क्रोशेट हम लोग को बनाना है, ठीक है। और ये जो होल है देखिए, ये दोनों चेन के बीच में ये देखिए होल है, इस होल में हम लोग को दो बार डबल क्रोशेट बनाना है, ये होल में दो बार बनाना है, और ये चेन डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है इसमें हम लोग एक बार बनाना है। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कम्प्लीट करेंगे, ठीक। देखिए इस तरीके से मैंने ये राउंड को कम्प्लीट कर दिया है, और कम्प्लीट करने के बाद एक दो तीन तीसरा चेन में इस तरीके से निजेस को डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो मेरा देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए तो ये इसका जो मेरा बीच का जो रेड कलर का पोर्शन है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं हम लोग वाइट कलर जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए दो डबल धागा यूज़ किया है वाइट कलर में भी। तो आप लोग ये पूरा जो बनाइएगा ये पूरा ही डबल धागा से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक नॉट लगा लिया व्हाइट कलर में, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। करने के बाद देखिए तीन का चेन हम लोग ले लेंगे, दो और तीन डबल क्रोशेट का हाइट के हिसाब से, और दो चेन एक्स्ट्रा लेंगे, एक और दो, यानी कि टोटल हम लोग यहाँ पर पाँच चेन लिए, ठीक है। रीज़न मैं आप लोग को बताऊँगी आगे। देखिए इस तरीके से पाँच चेन लेने के बाद इस तरीके से बन लेंगे। देखिए ये मेरा एक देखिए एक डबल क्रोशेट है, तो नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला जो है इसमें हम लोग इस तरीके से निजेस को डालेंगे, और डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बनाने के बाद फिर हम लोग एक दो चेन लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट जो चेन है इसको स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट जो चेन है इसमें इस तरीके से निजेस को डालेंगे, और यहाँ एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग एक दो चेन लेंगे, नेक्स्ट जो चेन है इसको स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट जो चेन है इसमें हम लोग एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करना है। तो देखिए डबल क्रोशेट का हाइट के हिसाब से हम लोग तीन चेन ले लिए, और दो चेन जो मैंने लिया है वो मैंने बीच में जैसे मैंने दो चेन लिया है तो वही मैंने यहाँ पर दो चेन लिया है, तो ये टोटल हम लोग शुरुआत में पाँच चेन ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक दो तीन तीसरा चेन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट में हम लोग आ गए हैं, दो चेन मैंने ले लिया है, एक दो तीन तीसरा चेन में इस तरीके से निचे इसको डालेंगे, और डालते हुए यहाँ पर एक से इसको इस तरीके से जोड़ लें। तो देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हम लोग जाएंगे, तो उसके पहले एक दो और तीन चेन ले लेंगे। देखिए ये जो मेरा पीछे रेड कलर है इसका काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम धागा को यहाँ पर कट कर देंगे, और कट करने के बाद ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से हम लोग नॉट लगा देंगे। तो देखिए हम लोग तीन चेन ले लिए, तीन चेन यानी कि ये देखिए ये एक डबल क्रोचेट है, इसके ऊपर मेरा ये तीन का एक डबल क्रोचेट मेरा बन गया, ठीक है। अब देखिए ये जो होल दिख रहा है इसमें हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, होल के अंदर एक और एक बनाया होल के अंदर दो। तो जैसे मैंने ये वाला यहाँ पोर्शन में रेड कलर में बनाया है, सेम एसिटीज हम लोग को ये वाला राउंड उसी तरीके से बनाना है, ठीक है।
ठीक है। तो होल में देखिए दो डबल क्रोचेट मेरा बन गया है। फिर देखिए ये देखिए एक डबल क्रोचेट है, तो इसके ऊपर जो चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर होल में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट बनाया उसी होल में फिर नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए ये डबल क्रोचेट के ऊपर ये चेन है, इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट कर लिए, एक दो तीन, तीसरा चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए जैसे मैंने ये वाला राउंड बनाया है व्हाइट कलर में, ये वाला राउंड बनाया है उसी तरीके से ये वाला राउंड फिर हम लोग वैसे ही बनाएंगे। तो एक दो तीन और चार, चार चेन देखिए एक चेन और ले लेंगे, पाँच चेन ले लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर दो चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो जिस तरीके से सेम प्रोसेस में मैंने यहाँ पर ये राउंड बनाया है वही सेम प्रोसेस में हम लोग ऊपर भी ये राउंड बनाएंगे। फिर एक दो, दो चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड मेरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। अब जैसे मैंने ये राउंड में बनाया है, ये देखिए इसके ऊपर एक डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, होल में दो डबल क्रोचेट, तो इस तरीके से ये राउंड में भी करना है। एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट मैंने बना लिया और ये देखिए होल में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट बनाया और एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, दो डबल क्रोचेट मैंने बनाया। फिर देखिए ये डबल क्रोचेट आ गया, ये डबल क्रोचेट को ऊपर का चेन में इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। और फिर देखिए होल आ गया, इस होल में हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो जैसे मैंने पिछला राउंड में ये जैसे मैंने बनाया है सेम प्रोसेस में ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से राउंड को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए जो राउंड बनाएंगे ये इस तरीके से जैसे मैंने ये राउंड बनाया है, ये राउंड बनाया है वैसे ही मैंने ये राउंड भी बनाना है। तो इसके लिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर दो चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में फिर डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने ये राउंड बनाया है वैसे ही मैंने ये राउंड भी हम लोग को बनाना है। देखिए ये राउंड मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये जैसे मैंने पिछला राउंड में डबल क्रोचेट बनाया था सेम इस राउंड में भी ऐसे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट हम लोग बना लेंगे, एक दो तीन, एक डबल क्रोचेट मैंने बना लिया। होल में हम लोग ये जो होल दिख रहा है ये होल में हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे जैसे मैंने पिछला राउंड में किया था, सेम प्रोसेस में ये राउंड में भी हम लोग को करना है। दो डबल क्रोचेट बना लिया। फिर देखिए एक डबल क्रोचेट है, इसके ऊपर वाला जो चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और इसके बाद में जो ये होल दिख रहा है इसमें हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया उसी होल में एक बार और। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है, देख रहे आप लोग। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। फिर हम लोग को जैसे मैंने ये राउंड बनाया है, ये होल होल जैसा जो राउंड बनाया है ये राउंड फिर से हमको लोग को बनाना है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, एक दो तीन चार और पाँच, पाँच चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो जैसे प्रोसेस था सेम प्रोसेस में हम लोग को ये राउंड को कंप्लीट करना है। फिर दो चेन लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में जो चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट कर। देखिए इस तरीके से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्या करना है। अब हम लोग को थोड़ा अलग करना है, यानी कि ये जैसे मैंने किया था ऐसे ही करना है लेकिन थोड़ा अलग मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए अब हम लोग को जो वर्क करना है, हम लोग पहला राउंड में क्या कर रहे थे, ये डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना रहे थे, होल में दो डबल क्रोचेट बना रहे थे, फिर ये डबल क्रोचेट के ऊपर जो चेन है इसमें फिर हम लोग नीडल्स को डालते हुए एक डबल क्रोचेट बना रहे थे। अभी हम लोग कैसा नहीं करना है, अभी हम लोग को केवल ये जो होल है ये होल में हम लोग को दो दो डबल क्रोचेट बनाना है, ये चेन ये डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये स्लिप स्टिच से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये होल में आने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग स्लिप स्टिच से ये होल में आ जाएंगे, देख रहे हैं स्लिप स्टिच बनाते हुए हम लोग होल में आ गए। यहाँ पर हम लोग एक दो तीन,
तीन चेन ले लिए, फिर इसी होल में एक डबल क्रोचेट हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एक होल में मेरा दो डबल क्रोचेट हो गए, एक मेरा तीन का चेन हो गया, एक डबल क्रोचेट मैंने बनाया। अब देखिए पिछला राउंड में जैसे ये डबल क्रोचेट को ऊपर का चेन में इस तरीके से नेजेस को डालते हुए डबल क्रोचेट बना रहे थे, ये राउंड में इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ये राउंड में फिर हम लोग नेक्स्ट होल में चल जाएंगे, नेक्स्ट होल में जाके यहाँ पर फिर हम लोग दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, उसी होल में फिर नेजेस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट और बनाया। यानी कि ये राउंड में मुझे जो ये डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट हम लोग बनाते हैं वो स्किप करना है, बाकी हर होल में हम लोग को दो दो डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ये डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट हम लोग नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट होल में आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग को नेजेस को डालते हुए दो डबल क्रोचेट बनाना है। एक बनाया, उसी होल में फिर एक और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक दो तीन चार मैंने यहाँ पर व्हाइट का किया है, एज इट इज़ यहाँ पर भी मैंने एक दो तीन चार पोर्शन मैंने व्हाइट का कर लिया है। अब देखिए रेड पोर्शन हम लोग को शुरू करना है, और अगर आप इसका भी बड़ा चाहते हैं, मतलब ये जो मैंने राउंड सर्कल रखा है, अगर आप लोग इसको और भी बड़ा करना चाहते हैं तो व्हाइट से और दो राउंड बना सकते हैं, एक ये राउंड और एक ये राउंड। ठीक है, अगर इसका मेजरमेंट आप लोग पूछेंगे तो ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये कितना इंची का है। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगी तो ये 12 इंची का है। ठीक है, ये 12 इंची का है, इसे बड़ा करेंगे तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें ये पोर्शन मेरा ऑलरेडी इस तरीके से बन चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग रेड कलर को जोड़ेंगे। तो रेड कलर में मैंने एक नॉट लगा लिया है, इस तरीके से हम लोग रेड कलर किसमें जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद देखिए रेड कलर से हम लोग ये जो एक होल जैसा बना रहे थे, ये होल सेम प्रोसेस में रेड कलर हम लोग को एक राउंड बनाना है। ठीक है, देखिए होल जैसे जैसे मैंने बना रहे थे, रेड कलर में हम लोग को एक राउंड होल जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दो तीन चार और पाँच चेन ले लेंगे इस तरीके से, धागा को थोड़ा खींच देंगे पीछे की ओर से। अब देखिए एक चेन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन को छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया था पिछले राउंड में सेम प्रोसेस में वैसे ही बनाएंगे। फिर एक दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, एक दो चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैंने पिछला राउंड में ये राउंड में मैंने जिस तरीके से बनाया है, ये राउंड भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। व्हाइट कलर का धागा मेरा कंप्लीट हो चुका है काम, तो इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हम लोग को क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला राउंड बनाया है हर होल में दो बार डबल क्रोचेट, इसी तरीके से ये राउंड भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो होल में हम लोग इस तरीके से बना के हम लोग एक दो तीन चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब होल में आने के लिए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे होल में। अब देखिए यहाँ पर एक दो और तीन चेन इस तरीके से लेंगे, और लेने के बाद इसी होल में एक डबल क्रोचेट और बनाएंगे। तो देखिए एक ही होल में मेरा दो डबल क्रोचेट बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट होल में दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दो डबल क्रोचेट मेरा बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट होल में फिर दो डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये राउंड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है। अब देखिए हम लोग को सेकेंड राउंड में क्या करना है। सेकेंड राउंड में देखिए इस तरीके से जो जितना राउंड मेरा पोर्शन था सब बन गया है, ये रेड व्हाइट का बन गया है, ये रेड एक राउंड का पोर्शन बन गया। अब ये जो डिजाइन है ये हम लोग को बनाना है, ये एक दो तीन चार राउंड ये बनेगा, ये जो डिजाइन है ये चार राउंड का डिजाइन है। तो देखिए क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले हम लोग एक दो तीन और एक और दो, यानी कि टोटल हम लोग यहाँ पर पांच डबल क्रोचेट ले लिए। ठीक है, अब ये पांच डबल क्रोचेट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग को भी स्टिच बनाना है। तो ये भी स्टिच किस तरीके से बनाएंगे, देखिए पांच डबल क्रोचेट लेने के बाद सेम चेन में जहाँ मेरा ये डबल क्रोचेट है उसी के ठीक जस्ट नीचे में हमको एक डबल क्रोचेट बनाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें डबल क्रोचेट बना दिए। तो देखिए ये एक भी स्टिच हो गया, देख रहे आप लोग, ये इस तरीके से एक भी स्टिच हो गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब फिर हम लोग को दो चेन लेना है, एक और दो चेन ले लिए इस तरीके से। लेने के बाद नीचे दो चेन स्किप करेंगे जहाँ मैंने बनाया ठीक जस्ट उसके बगल वाला चेन और उसके बाद वाला चेन, एक दो चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम लोग एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे।
इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना ले। फिर हम लोग एक दो दो चेन लिए। अब दो चेन लेने के बाद फिर देखिए नीचे एक दो दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाला चेन में इसमें हम लोग भी स्टिच बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशेट बनाए, फिर दो का चेन लिए और उसी जगह पर जहाँ मैंने डबल क्रोशेट बनाया उसी चेन पे फिर नीचे इसको डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाए। तो एक डबल क्रोशेट दो चेन एक डबल क्रोशेट, ये देखिए एक भी स्टिच का इस तरीके से एक भी स्टिच बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये एक भी स्टिच बन रहा है। तो इस तरीके से ये हम लोग को बनाते जाना है। फिर देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, फिर हम लोग दो चेन लेंगे, नीचे दो चेन स्किप करेंगे, वन टू थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से, फिर दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद नीचे दो चेन को स्किप करेंगे, एक दो थर्ड चेन में नीचे उसको डालेंगे, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि ये भी स्टिच हम बना रहे हैं। डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर दो चेन लेंगे सेम जगह पर जहाँ मैंने डबल क्रोशेट बनाया उसी जगह पर फिर नीचे उसको डालते हुए एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए मेरा एक भी स्टिच बना इस तरीके से, ये देखिए सेकेंड भी स्टिच बना इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए दो चेन दो एक डबल क्रोचेट, दो चेन एक डबल क्रोचेट, एक ही जगह पे मुझे करना है, ये वी स्टिच हुआ। फिर दो डबल क्रोचेट लेके दो नीचे चेन को स्किप करके एक सिंगल क्रोचेट हमको बनाना है, फिर दो चेन लेंगे नीचे दो चेन स्किप करेंगे और फिर हम लोग वी स्टिच बनाएंगे, यानी कि दो डबल क्रोचेट दो चेन दो डबल क्रोचेट सेम जगह पर इस तरीके से हमको बनाना है। एक बार और देखिए, अब देखिए वी स्टिच बनाने के बाद हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, इसके लिए हम लोग दो चेन लेंगे, नीचे दो चेन को स्किप करेंगे, तीसरा चेन में नीचे डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशेट बना लिए इस तरीके से। फिर अब हम लोग को भी स्टिच बनाना है, इसलिए पहले दो चेन ले लेंगे, अब भी स्टिच हम लोग बनाना शुरू करेंगे। नीचे दो चेन के गैप देंगे, तीसरा चेन में इस तरीके नीचे को डालते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दो चेन फिर सेम लूप पर एक डबल क्रोशेट, ये मेरा भी स्टिच यहाँ पर कंप्लीट। तो इस तरीके से ये राउंड हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से राउंड के अंत में आ गए हैं, दो चेन ले लिए, नीचे दो चेन स्किप किए और यहाँ पर एक दो तीन तीसरा चेन में इस तरीके से नीचे इसको डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ दिए। तो देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आ गया, देख रहे आप लोग। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब जो ये भी स्टिच बनाए, देखिए ये एक भी स्टिच, ये एक भी स्टिच, ये जो भी स्टिच इस तरीके से बनाना है इसमें वर्क करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया भी स्टिच में आने के लिए, भी स्टिच के अंदर निजस को डालते हुए एक स्लिप स्टिच हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए एक दो और तीन, तीन चेन लेंगे, भी स्टिच के अंदर ही हम लोग दो बार डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट बनाया फिर भी स्टिच के अंदर निजस को डालते हुए एक डबल क्रोचेट और बनाए। तो देखिए टोटल मेरे तीन डबल क्रोचेट हो गया, एक तीन का चेन दो डबल क्रोचेट मैंने बनाया, फिर यहाँ पर एक दो और तीन, तीन चेन ले लेंगे और फिर भी स्टिच के अंदर ही हम लोग तीन बार डबल क्रोचेट और बनाएंगे। एक डबल क्रोचेट बनाया, भी स्टिच के अंदर निजस को डालते हुए एक बार और बनाए दो बार, फिर भी स्टिच के अंदर निजस को डालते हुए एक बार और बनाए, यानी कि तीन, ठीक है। तो देखिए अब जो वर्क करना है हम लोग का, हर भी स्टिच में वर्क करना है, तो हर वी स्टिच में हम लोग को तीन डबल क्रोचेट, तीन चेन, तीन डबल क्रोचेट हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब बनाने ये एक वी स्टिच का वर्क हो गया, अब नेक्स्ट वी स्टिच जाने से पहले हम लोग को एक चेन इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद अब फिर हम लोग नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर फिर हम लोग तीन डबल क्रोचेट, तीन चेन और तीन डबल क्रोचेट बनाएंगे। दो डबल क्रोचेट बन गया वी स्टिच के अंदर निजस को डालते हुए, एक डबल क्रोचेट और तीन डबल क्रोचेट, एक दो और तीन, तीन का चेन और फिर उसी में तीन डबल क्रोचेट, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोचेट बना लिया। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट भी स्टिच में, देखिए नेक्स्ट ये वाला भी स्टिच है, देख रहे आप लोग नेक्स्ट ये वाला है, तो इस भी स्टिच में फिर तीन डबल क्रोचेट, तीन चेन, तीन डबल क्रोचेट। तो देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से है, देख रहे। तो इस तरीके से राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा सेकंड राउंड हो रहा है, देखिए भी स्टिच के ऊपर इस तरीके से हम लोग बना लिए, लास्ट में एक चेन लिए और यहाँ पर एक दो तीन, तीन तीसरा चेन में इस तरीके से नीचे इसको डालते हुए यहाँ पर स्टिच से इसको जोड़ दिए,
ठीक है। तो ये देखिए एक दो दूसरा राउंड, दूसरा राउंड मीन्स ये जो मेरा पोर्शन बन रहा है, देखिए ये जो ये पोर्शन, ये यहाँ से लेके ये राउंड के बाद से लेके ये जो पोर्शन है ये टोटल चार राउंड में बना है। तो इसका मेरा सेकेंड राउंड कम्प्लीट हुआ, ठीक है। अब थर्ड राउंड हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद ये भी स्टेज तक हम लोग को आना है वर्क। हम लोग ये भी स्टेज जो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर तीन का चेन है, इसमें हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए हर चेन में हम लोग स्लिप स्टिच करते हुए वहाँ पर आएंगे, ठीक है। सेकेंड चेन में इस तरह नीडल्स को डालें, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएं, उसके बाद वाला चेन में इस तरह का नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएं, ठीक है। अब ये होल में इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच, यानी कि हम लोग ये होल तक पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः और सात, देखिए सात चेन हम लोग को यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तीन और चार चेन एक्स्ट्रा बनाना है, ठीक है। सात चेन बना लिए। बनाने के बाद इसी जगह पर जहाँ मेरा ये तीन का चेन ये होल दिख रहा है, उसी जगह पर नीचे उसको डालते हुए एक डबल क्रोचेट बना देंगे, ठीक है। तो देखिए तीन का चेन के हिसाब से मैंने डबल क्रोचेट का हाइट के हिसाब से तीन का चेन लिया, और चार जो चेन लिए ये बीच में रहने के लिए चार चेन लिए और एक डबल क्रोचेट, यानी कि ये एक भी स्टिच बन गया। देख रहे आप लोग, ये एक भी स्टिच बन गया है। अब देखिए फिर हम लोग एक चेन लेंगे, ठीक है। एक चेन लेने के बाद बीच में जो ये जो पोर्शन एक चेन का मेरे पहला वाला राउंड में जो एक चेन लिया था, ये जो होल दिख रहा है, इसमें इस तरीके से नेकलेस को डालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए यहाँ हम लोग को ये जो होल दिख रहा है इसमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डबल क्रोचेट, चार चेन और फिर उसी जगह में एक डबल क्रोचेट, यानी कि भी स्टिच के ऊपर एक भी स्टिच हम लोग को फिर बनाना है। तो देखिए इस तरीके से ये भी स्टिच यहाँ पर इस तरीके से बन गया, देख रहे आप लोग, ये भी स्टिच यहाँ पर बन गया, ये वाला भी स्टिच, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग को क्या करना है, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद ये जो होल दिख रहा है ये होल में इस तरीके से नीचे उसको डालते हुए एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद ये जो होल दिख रहा है ये वाला, इस होल में हम लोग एक डबल क्रोचेट, चार चेन, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट, एक दो तीन चार, चार चेन, फिर उसी जगह पर एक डबल क्रोचेट, इस तरीके से एक भी स्टिच हम फिर बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे, ये जो होल दिख रहा है यहाँ पर नीचे उसको डालते हुए एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, चेन लेते हुए ये जो होल दिख रहा है नेक्स्ट, ये जो होल दिख रहा है इसमें हम लोग एक डबल क्रोचेट, चार चेन, एक दो तीन चार, चार चेन और वापस उसी में एक डबल क्रोचेट, इस तरीके से हम लोग ये राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, तो इसका लुक ये थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से करते हुए ये राउंड इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर राउंड है, इस तरीके से हम लोग राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम लोग राउंड के अंत में आ गए हैं, एक चेन ले लिए। अब एक दो तीन, इसका जो तीसरा नंबर चेन है इसमें इस तरीके से नीडल्स को डालते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच को इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो वी वर्क मैंने किया है, यहाँ एक वी वर्क है, यहाँ एक वी वर्क है, देखिए इस तरीके से जो वी वर्क मैंने किया है इसमें हम लोग को वर्क करना है। तो वी वर्क होल में आने के लिए एक स्लिप स्टिच हम लोग वी वर्क होल में आ गए हैं, देख रहे आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक दो तीन चार, ये हम लोग का लास्ट राउंड चल रहा है, ठीक है। तो चार नहीं, सॉरी तीन हम लोग डबल क्रोचेट लेंगे, तीन चेन बनाया, फिर इसी होल में एक बार डबल क्रोचेट बनाया, उसी होल में एक बार और बनाए, दो बार बन गया, उसी होल में एक बार और, तीन डबल क्रोचेट मैंने बनाया और एक मेरा तीन का चेन, यानी कि टोटल चार डबल क्रोचेट हो गया है, एक दो और तीन, तीन चेन इस तरीके से ले लिए। लेने के बाद देखिए ये वाला होल और ये वाला होल, ये दोनों को इस तरीके से उठाएंगे हम लोग। उठाने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट से इसको इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये जो यहाँ पर पंखुड़ी टाइप का इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे बनाने के बाद फिर इसी होल में हम लोग को चार डबल क्रोचेट और बनाना है, एक दो तीन और चार,
ठीक है, इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद जहाँ मेरा यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना हुआ है उसी में इस तरीके से नीचे इसको डालेंगे, देखिए इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, इस तरीके से एक सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद देखिए अब नेक्स्ट हम मेरा भी वर्क है, ये देखिए ये होल में हम लोग को वर्क करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर चार डबल क्रोचेट, एक दो, इसी होल में वर्क करना है, तीन और चार, एक ही होल में चार डबल क्रोचेट, फिर एक दो और तीन, तीन चेन लेंगे। ये दो को लूप दिख रहा है आप लोग को, ये और ये देखिए ये दोनों लूप दिख रहा है, ये दोनों को इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से बल लेते हुए धागा को इधर ले आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट इस तरीके से बना देंगे। फिर इसी लूप में चार डबल क्रोचेट हम लोग फिर बनाएंगे, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, देख रहे आपने ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। फिर हम लोग एक चेन लेंगे, नेक्स्ट हम लोग भी स्टिच में चले जाएंगे, एक चेन लेंगे, सॉरी एक चेन लेंगे, बीच में एक ये सिंगल क्रोचेट जो बना हुआ है इसी के चेन के ऊपर निजर को इस तरीके से डालते हुए एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर हम लोग देखिए एक सिंगल क्रोचेट बना लिए, फिर हम लोग एक चेन लेंगे, एक चेन लेते हुए फिर हम लोग देखिए ये वी स्टिच में वर्क करेंगे, ये वी स्टिच में वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हम लोग चार डबल क्रोचेट, तीन चेन लेके दोनों लूप को उठाते हुए इस तरीके से बनाना है, एक सिंगल क्रोचेट, फिर हम लोग चार डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, ये जो यहाँ पर मेरा सिंगल क्रोचेट बनाया हुआ है उसी चेन में एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरीके से चार डबल क्रोचेट, तीन चेन, एक सिंगल क्रोचेट, फिर चार डबल क्रोचेट, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही मेरा लास्ट राउंड है, ये कंप्लीट करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस तरीके से हम लोग घूमते हुए आएंगे। देखिए लास्ट मेरा ये वी स्टिच है, ये वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक मेरा सिंगल क्रोचेट बनेगा, देखिए एक सिंगल क्रोचेट और एक चेन लेने के बाद एक दो तीन, तीसरा चेन में हम लोग यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इसको हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करना है, सेम प्रोसेस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एज इट इज यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, राउंड को अंत करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना के मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक क्या है। देखिए मैंने ये इस तरीके से बना लिया है, तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए आप लोग। तो सेम प्रोसेस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से आप लोग बनाइए। ये बड़ा बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के अंत में बता दिया है, बीच में मैंने बता दिया है कि इसको बड़ा आप लोग किस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। इससे यही होगा मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो ये मैंने बता दिया है, आप इसे छोटा वाला जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।